अभी मैं निकली हूँ बाहर, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा आउटिंग करा रही, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी होती है ना, बाहर निकल नहीं जा रहा है। तो अभी ठीक मौसम है तो अभी मैंने इनको बाहर निकाला। हमारी मिर्ची भी ठीक, ये ना इनके फूल निकल आए हैं तो अभी मिर्ची भी पड़ेंगे, देखे माशाल्लाह। तो अभी बजे है शाम के 10:30, डिनर हमने कर लिया है, अभी आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको अपने पहले वाले किचन का टूर दे रही हूँ, वैसे टूर ही क्या दूँ, मतलब लास्ट में एक क्लिप बना रही हूँ कि मेरा कैसा किचन था, खुद के लिए भी और आप सबको भी दिखाना था कि ये कुछ ऐसा था। तो अभी बनने वाला है ना यहाँ पे मेरा ओरिजिनल काउंटर, तो ये सब हटने वाला है अभी। तो ये देखिए कि कैसा था पहला वाला किचन मेरा, जो मैंने खुद बनाया था, ऑर्डिनरी ऐसे ही बनाया था। तो जी आज मैं हूँ बहुत बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मेरा ये वाला किचन है ना, ये सारा हटने वाला है, मेरा बनेगा असली वाला किचन। तो मतलब सिंक विंक अंदर ही लगेगा इंशाल्लाह। तो मैंने ना एक यहाँ पे है इस वाले में मीट बना लिया है, मैंने कर लिया है तैयार, और ये है इसमें चिकन, इसको मैं अभी धो के लाऊंगी बाहर से। मतलब आज ना ये लास्ट दिन है बाहर बर्तन लेना, ले जाना ले आना, बर्तन बाहर धो, मतलब कुछ भी करना होता तो बाहर धो के लाओ, बाहर से सॉरी। तो आज ये लास्ट दिन है मेरा, मतलब 4 साल हो गए मुझे ऐसे बर्तन धोते, बाहर ले जाओ बाहर ले जाओ बाहर ले जाओ। तो आज फाइनली इंशाल्लाह वो दिन आ गया है कि मेरा खुद का किचन होगा। वैसे उतना हाई फाई नहीं बनेगा, बट हाँ सिंपल काउंटर सिंक वगैरह सब लगेगा। तो ये लाया है चिकन, ये भी मैं अभी बाहर से धो के लाऊंगी, ये बनाऊंगी। यहाँ पे अभी दूध उबल रहा है, तो वो कारीगर भाई लोग अभी आ रहे होंगे, तो करते हैं कंटिन्यू अपना आज का व्लॉग। तो जी फाइनली यहाँ पे मैंने उठाया है ये जो मैंने ऑर्डिनरी काउंटर बनाया था खुद, ये है लास्ट क्लिप। तो फिर यहाँ पे लगेगा दूसरा वाला ओरिजिनल, तो यहाँ पे मैं उठा रही हूँ, वो है सिंक। यहाँ पे कर लिया है मैंने ये जगह खाली, और बाहर काम चल रहा है जो कि आपने देखा व्लॉग में, ये मेरा सामान बाहर रखा हुआ है ये देखे। तो यहाँ पे मैंने ये जो कुकिंग की है ये भी यहीं पे रखी है बेडरूम में ही फिलहाल, जब तक किचन तैयार होगा। तो जी ये देखिए आज मैं कुकिंग यहाँ पे कर रही हूँ, ये है हमारा दूसरा किचन, आज है इस व्लॉग का दूसरा दिन। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुकिंग, यहाँ पे मैंने गैस के नीचे 2 टाइल्स रखे हैं, और इस साइड पे रखा है राइस कुकर। आज मैंने बड़ा वाला राइस कुकर निकाला था, क्योंकि जो मतलब कारीगर वगैरह आएंगे वो भी खाना खाएंगे। तो ये है बाकी का स्टॉक, और यहाँ से मैं दिखाऊंगी कि कहाँ पहुँचा किचन का काम। सो कुछ इस तरह का है फिलहाल। तो ये देखिए जी ऐसे है अभी, इनकम्प्लीट ही, अभी आएगा प्लम्बर, अभी यहाँ पे गीजर नलके वगैरह लगेंगे, नीचे ड्रेनेज सिस्टम का एरिया होगा, वो बाहर जाएगी ड्रेन पाइप। तो अभी कुछ इस तरह का है, तो ये फर्श भी बाहर ही निकालेंगे, फिर उसको धोएंगे होंगे, धूप देंगे अच्छे से, तो बाद में फिर आपको मैं ना अच्छे से किचन टूर दूंगी इंशाल्लाह। सो अभी इनकम्प्लीट ये सारा, आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। सो ये मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे रखी स्वीट्स, बोला सशी मुबारक, एक्चुअली किसी ने दिए थे तो उस काउंटर पे ही रखे, बोला ये नए किचन के लिए मुबारक रखा मैंने। अस्सलामुअलैकुम। तो जी ये मैं अब आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ अपने किचन का, कि ये मतलब मैं एंटर हो गई यहाँ पे, एंट्री पे ही मैंने रखी है बास्केट की, ये ना वेजिटेबल बास्केट, और ये है, ये दिख रहा होगा आपको कि ये क्या है। अभी मैंने ना पूरा ऑर्गेनाइज नहीं किया है, मतलब फिर औरत का काम ही होता है कि दिन भर
सेटिंग वो ये करो। तो फिलहाल चलते हैं अपने काम पे। ये मैंने यहाँ एंट्री पे ही फ्रिज रखा है और ये कुछ इस तरह का है। यहाँ से देखें तो पहले वाला जो ऑर्डिनरी काउंटर जो आपने अभी व्लॉग में देखा वो इस साइड से था, तो वो वार्डरोब का दरवाज़ा खुला है, वो इग्नोर करिएगा। तो जी फाइनल है ये कुछ इस तरह का। तो अभी मैंने ऐसे ही रखे हैं बर्तन, मतलब थोड़ा थोड़ा सेट कर लिए हैं, तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कल ना मैं पूरा दिन ये सारा फर्श मैंने धो लिया है, ये शीट जो इसके नीचे कालीन है वो वगैरह, पिलो कवर वगैरह, इस सारा मैंने धो लिया। तो फिर हम रात के 12 बजे तक सफाई कर रहे थे। तो आज मैंने यहाँ पे लंच बना लिया है देखे। तो अभी ना ये कुछ इस तरह का बना है। यहाँ पे मैं इसको जो है कर्टन लगा दूंगी बाद में। यहाँ पे अभी ना वो स्प्रिंग लाना बाकी है तो वो लगा दूंगी। ये देखिए है मेरा काउंटर टॉप और ये है सिंक फाइनली। तो मतलब कि काफ़ी सालों के बाद मतलब मुझे ना ये नसीब हो रहा है ये खुशी, क्योंकि 4 सालों से मैं बर्तन बाहर से धो के ला रही थी। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। तो अब से जो है रोज़ व्लॉग आया करेंगे कुकिंग के, क्योंकि मुझे कुकिंग ना मतलब कुकिंग मेरी हॉबी है और घर को ऑर्गेनाइज करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इस व्लॉग का तीसरा दिन है। आज मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए तो मैं ना पूरा मतलब पूरा घर जो है ऊपर से नीचे तक सफाई कर ली, इतना ज़्यादा थक गई ना मैं पूछे मत। तो अल्लाह का शुक्र है मतलब कि मैं दिल से ना दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। कहते हैं ना कि औरत की जो आधी ज़िंदगी है वो किचन में ही ख़त्म होती है, तो मेरे पास ना ये मैंने सोचा कि चलो अगर आधी ज़िंदगी किचन में ही ख़त्म होती है तो थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ किया जाए। मैंने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ली, बहुत ज़्यादा, तब जाके ये सब पॉसिबल हो गया, वरना नहीं था। एक्चुअली हमें जो है घर ही अलग, मकान ही अलग बनाना है, लेकिन उसमें अभी ना कुछ इश्यू आ रहा है, सो अभी उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ली तो अब तब जाके ये हो पाया। तो ये सच है कि हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अभी मुझे बहुत टाइम भी लगेगा, 1-2 दिन लगेंगे कि वो चीज़ वहाँ पे रखनी है, ये चीज़ यहाँ पे रखनी है। तो अभी कुछ आपको लगेगा वो नहीं है, इधर है, वो है, ऐसे है, तो वो मैं इंशाल्लाह ठीक कर दूँगी। तो अभी बस औरत का काम ही है ऑर्गेनाइज़ करना, और मुझे अच्छा भी लगता है घर को ऑर्गेनाइज़ करना। तो यहाँ पे मैंने ये वाले एरिया में ना ये क्या है वाटरप्रूफ शीट लगाया है, ताकि वहाँ पे अगर कुछ गिरे सब्जी वगैरह तो उसे इजीली हम साफ कर सकते हैं। तो अभी मैंने वो पुराना तक किया और इंडक्शन यहाँ पे रखा है, ये मैं अभी उठा दूँगी, क्योंकि मैंने ना सौ बेबी को थोड़ा सा नैप करा लिया, वो भी थक गया था, तो वो काफ़ी दिनों से ना चिड़चिड़ा हो रहा था क्योंकि मैं उसे पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी। सो ये है मेरा फाइनल लुक मेरे किचन का, मेरा नहीं सॉरी। तो इब्राहिम जब आएगा नानी हाल से, एज समर वेकेशन हो गई है तो वो नानी हाल गया, जब वो आएगा वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, उसको भी सरप्राइज लगेगा कि फाइनली मेरी मम्मी का भी किचन बन गया। आज मैंने पूरे घर की सफाई की, बाहर तक, गेट तक, और वो भी डीप क्लीनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए। तो पगी पे वायर मज नरुन वायर मजा थोड़ा सा कम। सो इस व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।